के साथ रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ को निर्देश दे दिए हैं। सभी सीएमओ को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए। विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की होगी जांच। कोविड संक्रमितों की भर्ती की व्यवस्था करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया। वही मास्क, पीपीई किट आदि पर्याप्त मात्रा में जुटाए, ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश सतर्क हो गया है और अलर्ट जारी उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ को निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया, एक्टिव मोड पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन आ गया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को निर्देशित कर दिया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से चीन में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत में भी चिंता का विषय है। तो जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम जो हॉस्पिटल हैं, सीएससी की बात करें या फिर पीएससी की बात करें, उन सभी जगहों पर अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। साथ ही जो विदेशी यात्रा करके लौट रहे हैं उनकी भी जांच की जाने की उन्होंने बात कही है। साथ ही आपको बता दें कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए। साथ ही आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा कि थर्ड वेव की अगर बात करें तो लगातार जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भारत में अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है। तमाम तरीके के जो निर्देश दिए गए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके। साथ ही लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से जो है भारत में भी ये चिंता का विषय है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, और अभी सतर्कता नहीं रखी तो उसका खामियाजा बाद में जरूर भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां नोएडा की अगर हम बात करें तो अलग अलग शहरों से भी लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं, तो ऐसे में अलर्ट जारी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहां कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।